आपका, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर के मशहूर लिंगराज मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों की हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा ले रही हैं। तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, भुवनेश्वर का विश्व प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, जहां आज दर्शन के लिए पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। ये दो तस्वीरें पीएम के पहुंचने से मंदिर का जो प्रांगण है वो उत्साह से भरता दिखा। एक तरफ पूजा अर्चना की पीएम नरेंद्र मोदी ने, देश की खुशहाली की कामना की। इधर उनके चाहने वाले उनके साथ सेल्फी लेते दिखे, नारेबाजी हुई और हर कोई इस पल को कैद करता दिखा। ये दो तस्वीरें आप देखिए, लिंगराज मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी के दर्शन कार्यक्रम की। तो ये तस्वीरें आप भुवनेश्वर की देख पा रहे हैं। बता दें कि दो दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हो रहा है। आज दूसरा दिन है और आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे लिंगराज मंदिर में दर्शन के लिए। इधर भुवनेश्वर में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। सीएम वसुंधरा राजे भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम राजे का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिवादन किया। इस दौरान दोनों के बीच अनौपचारिक चर्चा हुई। सीएम राजे ने भी योगी को बधाई दी। तो आज दूसरा दिन है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। कई अहम मसलों पर यहां चर्चा हो रही है। आगे की रणनीति कैसी हो पार्टी की जीत के लिए, इन तमाम विषयों पर फिलहाल बातचीत जारी है। और क्या कुछ चल रहा है ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरी सहयोगी अदिति नागर मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और सुबह से अगर पूरे हम अलग अलग मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ खास बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन? देखिए, आज सुबह जब पीएम नरेंद्र मोदी ने लिंगराज मंदिर के दर्शन करके वहां पहुंचे तो एक प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद उसमें सुझाव दिए गए जी। सामाजिक न्याय के से जुड़ा हुआ ये प्रस्ताव था कि किस तरीके से जो समाज के लोग हैं उनका ये सरकार कल्याण कैसे कर सकती है। और वो काफी कुछ चीजें जो फ्लैगशिप योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, उसकी योजनाओं के तहत भी लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो काफी कुछ इसमें रहा और कुछ ही देर में वो प्रस्ताव पारित भी हो जाएगा। आपको ये बता दें कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, लबोलबाव जो पूरा दो दिन का रहा, वो पूरा जो पांच राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज कराई है उसमें उसके इर्द गिर्द घूमा और आगे की रणनीति क्या है, पूरा लबोलबाव चुनाव पे था। और अब विधानसभा चुनाव आने वाले और लोकसभा चुनाव, तो विकास के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, ये दो मेन एजेंडा रहे हैं राष्ट्र अध्यक्ष के, जो विधानसभा लेवल और लोकसभा लेवल दोनों। मेरे साथ ऐश्वर्य प्रधान हैं, जो अंदर की जो राजनीतिक हलचल है उसके बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। ऐश्वर्य, अभी जो दो दिन की ये कार्यकारिणी चली, क्या लगता है कि ये जो क्या अंदरूनी राजनीतिक चर्चा रही, आपने प्रकाश जावड़ेकर जी से भी बात करने की कोशिश की, क्या कुछ रहा उसमें? देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है कि गरीब की जो योजनाएं हैं, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, मुद्रा योजना हो या फिर जो अन्य जनधन योजना हो, गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं उन पर यह फोकस किया गया है। आगामी दिनों में इस तरीके के संकेत मिले कि गरीबों से रिलेटेड, गरीबों के कल्याण के लिए और भी योजनाएं आ सकती है और इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बेहतर कैसे किया जाए और आम कार्यकर्ता तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों को, बीजेपी संगठनों को हर एक राज्य में उन योजनाओं को पहुंचाना होगा। ये उनको टास्क दे दिया है कि उन योजनाओं के परिणाम बेहतर मिल रहे हैं तो उन योजनाओं को लोगों के जहन में बिठाओ, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि बीजेपी ने क्या किया है और कांग्रेस ने पिछले वर्षों में क्या किया है, इस चीज को लेकर फोकस रहा है। दीदी, देखिए, आपको बता दें, जैसे ऐश्वर्य ने बताया, सामाजिक न्याय का जो आज प्रस्ताव था कि गरीब कल्याण, क्योंकि वैसे भी जो चेहरा बनता नजर आ रहा है इस तीन साल की सरकार का, वो यही है कि गरीब समर्थक सरकार है। और जब नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने
सरकार बनाई है तो उससे मनोबल पार्टी का बढ़ गया है कि बिल्कुल मनोबल बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है भुवनेश्वर जब पूरी पार्टी पहुंची है, जब मंथन हो रहा है दिग्गजों के बीच और बाकी राज्यों तक कैसे पहुंच बनाई जाए, लोकसभा चुनाव में कैसे फतह पाई जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सीधे लिए चलेंगे।